हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बीएलई फैमिली। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो भी सीएससी आईडी पर आंगनबाड़ी केंद्र के डाटा एंट्री का काम आया उसको किस तरह से आप कर सकते हैं और किस तरह से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो जो सीएससी आईडी पर डाटा एंट्री का काम आया है उसमें आंगनबाड़ी केंद्र पर जो 5 रजिस्टर होते हैं, जिसमें 0 साल से 5 साल तक के व्यक्ति का और 5 साल से 10 साल तक के बच्चे का और गर्भवती महिलाओं का और युवतियों का जो डाटा होता है उसको ऑनलाइन करने का काम है। तो इसमें एक रजिस्टर को जो आप ऑनलाइन करेंगे काम तो उसका ₹50 मिलेगा। तो आप जब 5 रजिस्टर करेंगे तो आपको इसमें ₹250 एक आंगनबाड़ी केंद्र पर मिलेंगे। तो आप इसको किस तरह से कर सकते हैं? अगर कोई भी सीएससी बीएलई इसको खुद नहीं करना चाहता है तो वह ऑपरेटर के माध्यम से भी इस काम को आसानी से करा सकता है और जो भी कमीशन उसमें आएगी वह आपस में मिलके बांट सकता है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि कैसे आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीएससी आईडी खोलेंगे। यहाँ पे हमारी आप देख सकते हैं सीएससी आईडी लॉगिन है। इसके बाद हम सर्विस पे जाएंगे, सारी यहाँ पे सर्विस। तो इसमें हमको ढूंढना पड़ेगा और ढूंढने से थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जाएंगे क्रोम पे। क्रोम पे जाके यहाँ पे हम एक लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको आप यहाँ पे क्लिक करते ही उसको ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिंक दिया गया है उसको डाल के और इंटर कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इंटर करेंगे तो यहाँ पर सीधे लॉग इन विद डिजिटल सेवा कनेक्शन लिख के आएगा। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी लॉग इन आई डी सीएससी आई डी पहले से ही लॉग इन है, इसीलिए ये सीधे प्रोसेस पे आ गया। नहीं तो यहाँ पे आपको सीधे यूजर आई डी और पासवर्ड मांगता और उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्लिक करते। जैसे ही प्रोसेसिंग करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा आंगनबाड़ी लाभार्थी पंजीकरण। इसके बाद यहाँ पे स्टेट उत्तर प्रदेश आपका पहले से होगा, जिस भी स्टेट के आप हैं। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट है शाहजहांपुर, तो हमको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हमारी ब्लॉक, जो भी ब्लॉक होगी उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्लॉक के बाद फिर यहाँ पे हमको अपना ग्राम चुनना पड़ेगा, जो भी ग्राम हमारा है। तो यहाँ पे आप अपना ग्राम देख सकते हैं, इस लिस्ट में आ जाएगा। तो हमने ग्राम सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही हम ग्राम सेलेक्ट करेंगे फिर नीचे विलेज आएगा। तो विलेज में जो ग्राम पंचायत हमने सेलेक्ट की थी वही यहाँ पर ऑप्शन में दी होगी, उसको आप भर देंगे। उसके बाद आंगनबाड़ी कोड आएगा, वो अपने आप ही आ जाएगा, उसको भी आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आंगनबाड़ी सेंटर का नाम आएगा। यहाँ पे आंगनबाड़ी सेंटर का नाम, जैसे यहाँ पे मुड़ियास या जो भी जमुनिया दौलतपुर हो तो आप उसको यहाँ पे भर देंगे। तो यहाँ पे हम आंगनबाड़ी केंद्र का नाम भर देते हैं। इसके बाद आंगनबाड़ी वर्कर जो भी है उसका हम यहाँ पे नाम भरेंगे। मान लिया आंगनबाड़ी वर्कर का नाम है रेखा, तो वहाँ पे हम रेखा भर देते हैं, ठीक है। इसके बाद जिस महीने का हमें डाटा यहाँ पे इंटर करना है वो भी अपने आप ही सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पे जून 2020 के जो भी डाटा है आंगनबाड़ी केंद्र का वो हमको भरना है। इसके बाद आंगनबाड़ी जो एरिया होगा उसको हमें भरना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आंगनबाड़ी परियोजना का नाम भरेंगे और यहाँ पे आंगनबाड़ी का मोबाइल नंबर डालेंगे। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी परियोजना का नाम, जो भी आप परियोजना का नाम डाल सकते हैं जो भी हो। यहाँ पे मैंने अपना ब्लॉक का नाम डाल दिया, परियोजना का नाम, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं आंगनबाड़ी केंद्र का। और इसको प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे ही प्रोसेस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया
तो यहाँ पे आंगनबाड़ी लाभार्थी पंजीकरण में देखिए यहाँ जनपद आ गया, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम आ गया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम, ठीक है, यहाँ पे परियोजना का नाम आ गया, परियोजना क्षेत्र, आंगनबाड़ी कोड आ गया, मोबाइल नंबर आ गया आंगनबाड़ी केंद्र का। उसके बाद यहाँ पर आंगनबाड़ी क्षेत्र की जनसंख्या हमको भरनी है कि आंगनबाड़ी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है यहाँ पर। फिर इसके बाद जो 5 रजिस्टर होते हैं, जो भी सुपरवाइजर है या कार्यकर्ता वहाँ पर है आंगनबाड़ी केंद्र की, तो यहाँ पे 7 माह से 3 वर्ष तक के लिए जितने भी बच्चे हैं उनका रजिस्टर करना है। तो वहाँ पे क्रम संख्या डालेंगे, बिल्कुल हमें कुछ भी अपने पास से नहीं डालना है, सारी चीज़ें हमें उन 5 रजिस्टरों में से डालनी है। तो पहला रजिस्टर 7 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए हो गया, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के लिए, फिर गर्भवती महिलाओं के लिए, फिर धात्री महिलाएं हो गई, किशोरी बालिकाएं, स्कूल ना जाने वाली, ये सारा डाटा हमको उन 5ों रजिस्टर से यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे हम क्रम संख्या डालेंगे, परिवार संख्या यानी परिवार संख्या परिवार रजिस्टर के अनुसार डालेंगे, परिवार रजिस्टर के अनुसार परिवार की क्रम संख्या डालेंगे, यहाँ पे बच्चे का नाम, बच्चे के पिता का नाम, बच्चे की उम्र, बच्चे के वर्ष माह में, बच्चे का जेंडर, पूर्व माह में बच्चे के पोषण की स्थिति क्या थी, यहाँ पे रेड ग्रीन जैसा भी उस रजिस्टर में लिखा, आधार कार्ड राशन कार्ड वगैरह में, पहचान पत्र संख्या, लाभार्थी परिवार के सदस्यों का मोबाइल नंबर, और यहाँ पे एड आइटम कर देंगे। तो जितना भी उसमें डाटा है पहले रजिस्टर में, हम यहाँ से भरने के बाद एड आइटम करते जाएंगे, पूरा भर जाएगा। उसके बाद हमें करना है 3 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें भरनी हैं, रजिस्टर में प्रविष्ट हैं जो भी रजिस्टर में हैं। उसके बाद हमें गर्भवती महिलाओं का सारा डाटा भरना है, उसके बाद धात्री महिलाएं हैं जो हैं उनका सारा डाटा भरना है, उसके बाद यहाँ पे किशोरी बालिकाएं जो स्कूल नहीं जाती हैं उनका डाटा यहाँ पे भरना है, और उसके बाद यहाँ पे सीधे टिक करने के बाद मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ, पूरी यहाँ पे ये घोषणा पत्र दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे जो कोड दिखाई दे रहा है उसको हम यहाँ पे 5 6 जो भी कोड यहाँ पे है उसको करके, और सबसे पहले हम रजिस्टर्ड पर नहीं क्लिक करेंगे, हम इसको सेव ए ड्राफ्ट, सारा डाटा ड्राफ्ट में सेव करेंगे, और सेव करने के बाद रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे, क्योंकि एक बार डाटा रजिस्टर्ड हो जाने के बाद हम उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेव ड्राफ्ट पे डाटे को हम डिलीट कर सकते हैं, डाटे को एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आराम से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप एक ग्राम पंचायत में ही करें, आप पूरे अपने ब्लॉक में ये काम ले सकते हैं। 50 रुपये एक रजिस्टर आपको मिलेगा, एक रजिस्टर डाटा एंट्री का 50 रुपये है। तो यहाँ पे 5 रजिस्टरों का डाटा एंट्री करना है, यानी कि एक आंगनबाड़ी केंद्र में आपको 5 रजिस्टर मिलेंगे, 5ों का डाटा एंट्री करना है और बिल्कुल सही करना है। और जब आप डाटा एंट्री करें तो उसके स्क्रीनशॉट फोटो भी ले लें, स्कैन कर लें, ताकि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम बता सकें कि मैंने डाटा एंट्री जो भी की है वो रजिस्टरों के अनुसार ही की है। और इससे पहले आप एक बार डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात अवश्य कर लें इस बारे में। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी लिस्ट है पूरे इंडिया के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स की लगा दूंगा, आप वहाँ से आराम से उनका नंबर लेकर उन पर कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।